फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। बहुत टाइम के बाद मैं आज लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो एसओपी के ऊपर है। अभी आप सभी को जो सीजन चल रहा है, जनवरी इंटेक मोस्ट प्रोबेबली आ गई। काफ़ी लोगों ने कॉलेज ज्वाइन भी कर लिया और काफ़ी लोगों ने अभी तक कॉलेज ज्वाइन नहीं की है, बट उनको जैन इंटेक में ही जाना है। या फिर नेक्स्ट अभी आएगी अप्रैल मई वाली जो इंटेक आएगी, उस इंटेक के अंदर आपको अप्लाई करना है। तो आपको सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एसओपी एंड एलओआर। अगर आपको एसओपी लिखना है तो आपको आइडिया चाहिए कि किस तरह से लिखना है। काफ़ी लोग आउटसोर्स भी करवाते हैं और काफ़ी लोग खुद लिखते हैं। तो आज मैं एसओपी आपको कैसे लिखना है, और दो टाइप के एसओपीज आते हैं जो हम खुद भी यूज़ करते हैं। एक नॉर्मल एसओपी होता है और एक ऑस्ट्रेलिया के लिए एसओपी होता है। तो चलिए हम डीप में डिस्कस करते हैं कि दोनों एसओपी में डिफरेंस क्या है। सो अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल एसओपी। तो नॉर्मल एसओपी के अंदर आपको डिटेल्स पता होंगी कि सबसे पहले आपकी प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए, लाइक आपका एजुकेशन क्या था, आपके जो सर्टिफिकेशंस कितने हैं, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, आपने कॉलेज सिलेक्ट की है, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है, कोर्स सिलेक्ट वन किया है या दो किए हैं, वो आपको देखना है। उसके बाद वो कोर्स सिलेक्ट करने का आपका रीज़न क्या है, आप क्यों वो कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद वो कोर्स आपने सिलेक्ट कर दिया है और उसको लेके आपके फ्यूचर प्लान क्या है, जो कंट्री में आप जा रहे हो। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आएगी, तो वो पूरे एक सीक्वेंस में लिखी जाती है। वो सीक्वेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा कि आपको किस तरह से लिखना है। और अगर आपको एक सैम्पल एसओपी चाहिए तो भी हम गूगल ड्राइव की लिंक आपसे शेयर कर देंगे, ताकि आप देख पाओगे कि अगर नॉर्मल एसओपी लिखना है तो कैसे लिख पाओगे। बट जो एज पर मैंने आगे डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एसओपी डिफरेंस होता है, वो कैसे होता है। तो नॉर्मल वाला जो मैं सीक्वेंस एक बार आपको बता देती हूँ, आपको सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल आएगी, उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल्स आएगी, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आएगा, और उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान आएगा। इतना सारा आपने कवर कर दिया नॉर्मल ने, बट उनके साथ एड ऑन क्या होता है। तो जो नॉर्मल आपका एसओपी होता है वो 2 से 3 पेज का हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 3 पेज होते हैं। बट अगर ऑस्ट्रेलिया का आप बनाने जाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 pages से भी ज़्यादा पेजेस बन जाएंगे। अब उसमें डिटेल्स क्या ऐड होगी, तो उसमें एड ऑन डिटेल्स है आपकी जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो होता है आपका और आपके फैमिली का, वो डिटेल ऐड करनी होती है। दूसरी डिटेल ऐड करनी होती है आपके स्पाउस के बारे में, कि उनकी क्या डिटेल्स है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, जो भी वो जॉब प्रोफेशनल है या हाउसवाइफ या हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्पॉन्सर्स कौन करने वाले हैं, कौन लेटर भेजने वाला है, उनकी क्या डिटेल्स है। उसके बाद आता है आप ऑस्ट्रेलिया में कहाँ रहने वाले हो, कॉलेजेस है तो उसका एरिया क्या है, इनसाइड कैंपस है, आउटसाइड कैंपस है, बहुत सारे डिटेल्स आपको ऐड करनी होती है। और उसके बाद रहता है आपके एक्सपेंसेस की डिटेल्स, कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपका जो टेंटेटिव एक्सपेंसेस कितने होते हैं जाने का, वहाँ जाके थोड़ा बहुत टाइम रहने का, वो सारा कैलकुलेशंस आता है एक्सपेंसेस डिटेल के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया वाले एसओपी में ऐड करनी रहेंगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। नॉर्मल एसओपी के जैसे ही आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए लिखना है, बट आपको उसके अंदर एड ऑन एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बोली वो सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी। बाकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। अगर आपको एसओपी लिखने में कोई भी चैलेंज आते हैं, कोई भी कंट्री के लिए या फिर कोई भी कोर्सेस या कॉलेज सिलेक्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल थ्रू, और हम हमारा व्हाट्सअप नंबर भी ऐड करते हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप से भी कनेक्ट कर सकते हो। तब तक मैं